अरे सजीला, मैंने तुमसे कहा भी था कि वहां रुक जाना। पप्पू को आपके अकेले होने की फिक्र हो रही थी। फिकर भी तो अपनों को ही होती है। अच्छा ये बताओ, शानी क्यों नहीं आया? जल्दी थी, उन्हें चले गए। खैर ये पहनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है सजीला। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्टिफिशियल अम्मी, तो क्या हुआ? मोहब्बत तो सच्ची है ना। अच्छा ये बताओ, कुलसुम खुश थी अंगूठी पहनाने? उनको तो खबर ही नहीं है, बाहर पहना के गया है। लेकिन दिल से पहनाई है उसने। अब शक मत करना, माँ को भी बता ही देगा। आप बड़ी मुतमईन हैं, सब खैरियत तो है? हाँ वाकई मैं अब बहुत मुतमईन हूँ। शांजे की तरफ से जो डर था वो अब नहीं रहा। तुमने देखा नहीं उसकी माँ कैसे फंक्शन छोड़ के चली गई थी? वो क्यों छोड़ के गई थी? जब मैंने उनको बताया कि तुम शानी की मंगेतर हो तो फौरन उठ के चली। शायद उन लोगों को पता नहीं था। शांजे को तो पता था, शायद उसी ने भी नहीं बताया हो। हो सकता है। आपने दवाई खाई? हाँ खाने ही जा रही थी। हाँ, अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गई ना, मुझे पता था कि आप नहीं खाएंगी। जब ससुराल चली जाओगी तो क्या उस वक्त भी मुझे आकर खिलाया करोगी? तब की तब देखी जाएगी, अभी तो लेकर आऊँ मैं आपकी दवाई। आप भी ना।